बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। इन द लास्ट लैब वी हैव सी हाउ वी कैन अप्लाई DTFT, हाउ वी कैन टेक अ DFT और फॉरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एन इमेज। We have seen various examples in which we have performed the Fourier transform operation of the images, and over the simple sequences, over simple matrices, we have taken some boxes and apply the DFT over them. And in the last lab, we have seen how we can apply special filtering on images using DFT or FFT. And how we can apply a low pass and a high pass filter over the image. And in today's lab, we are going to see how we can perform other filtering using DFT. Okay, और last lab में हमने almost high pass filtering कर ली थी और हम लोग बटरवर्थ फिल्टरिंग की तरफ आ रहे थे। तो बटरवर्थ फिल्टरिंग सिंपली कट्स ऑफ द फोरियर ट्रांसफॉर्म एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। दिस इज वेरी इजी टू इंप्लीमेंट, ठीक है, बट डिसएडवांटेज ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ऑफ अनवांटेड आर्टिफैक्ट्स रिंगिंग इनटू द रिजल्ट। वन वे ऑफ अवॉइडिंग दिस इज टू यूज फिल्टर मैट्रिक्स, अ सर्कल विथ अ लेस कट ऑफ विथ अ ब्लड सर्कल। अ पॉपुलर चॉइस is to use Butterworth filter instead of simple filters. Before we describe these filters, we shall look at an ideal filter. An ideal filter is if your desired frequency is lower, then we have a 1. If it is above, we have a 0, where d is the cutoff radius. Okay, this d is the cutoff radius. Or Butterworth filter ka function jo hai, वो लो पास फिल्टर का वो कुछ इस तरह का है, एफ ऑफ एक्स 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स डिवाइड बाय डी 2 की पावर एन। तो हमारे पास एक बटरवर्थ लो पास फिल्टर का फंक्शन ये है, और इसी तरह हाई पास फिल्टर का फंक्शन जहां आपके पास एक्स ओवर डी था, वहां पे हमने डी ओवर एक्स कर दिया, तो आपके पास एक हाई पास फिल्टर बन जाएगा। इस बटरवर्थ फिल्टर को जनरेट करने के लिए हम लोग एक मैश ग्रिड जनरेट करते हैं, एक इमेज के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, हमने एक मैश ग्रिड जनरेट कर लिया, एक B1 में एक मैंने सर्कल या इमेज अप्लाई कर लिया, ठीक है। सिंस बटरवर्थ हाई पास फिल्टर कैन बी ऑब्टेन बाय सबट्रैक्टिंग ऑफ अ लो पास फिल्टर फ्रॉम 1, वी कैन राइट द जनरल मैटलैब 1 माइनस लो पास इज इक्वल टू हाई पास, ही आपके पास आ जाता है। तो हम बटरवर्थ फिल्टर में हमारे पास कुछ फंक्शंस यूज होंगे। पहले इन फंक्शंस को यूज फंक्शंस को देखते हैं। मैं मैटलैब की तरफ आता हूँ, ठीक है। मैंने मैश ग्रिड जनरेट की, जी से मैंने एक सर्कल जनरेट कर दिया, मैंने कैमरामैन ले लिया IFT शो, और ये तो हमने लास्ट टाइम किया था, इसको मैं कमेंट करता हूँ और मैं अब आज यहाँ से शुरू करता हूँ, ठीक है। एल बटर इज फॉर लो पास बटर, ठीक है। एल बटर में मैं देखूंगा, एच बटर हाई पास बटर फिल्टरिंग, एल इज इक्वल टू लो पास बटर फिल्टरिंग, इसको हम देखेंगे किस तरह से हम करते हैं। बहरहाल मैंने एक सर्कल एक फंक्शन जनरेट कर लिया, उसी तरह डी इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऊपर सर्कल आ रहा है, डिवाइड बाय 15 उसका कट ऑफ है, एक्स अवर डी और इंटू 2 स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। इस B1 को, क्योंकि ये मेरे पास फिल्टर मास्क है, इस B1 को मैंने अप्लाई किया एल बटर लो पास फिल्टर में, कट ऑफ 15 दे दिया, ठीक है, और डिनोमिनेटर मैंने इसका 1 रख लिया, सॉरी थ्रेशोल्ड वैल्यू मैंने 1 रख दिया। एल बटर में देखते हैं कि इसका फंक्शन है क्या, इमेज डी और एन। एल बटर क्रिएट्स अ लो पास बटरवर्थ फिल्टर ऑफ द सेम साइज एज एन इमेज IM with a cut of d and an order n, ठीक है। तो जो फॉर्मेट है इस फिल्टर के अंदर हो क्या रहा है,
इस फिल्टर के अंदर जी हम लोगों ने सबसे पहले इमेज का साइज फाइंड आउट किया है, हाइट और विड्थ फाइंड आउट किया है, ठीक है, कॉलम कितने हैं, नंबर ऑफ रोज कितने हैं। उसके बाद मैंने एक मैश ग्रिड अप्लाई किया है जो विड्थ माइनस फ्लोर टू फ्लोर तक जा रहा है। इससे मैंने एक्स और वाई की वैल्यूज डिफाइन कर ली हैं और दोबारा फिर मैंने इसको जो मेरे पास फंक्शन है बटरवर्थ का उसके अंदर मैंने इसको अप्लाई कर दिया, वन डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ टू माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर की पावर एन, जो एन इज द ऑर्डर ऑफ द फिल्टर। तो ओके, तो इस तरह से मैंने ये जो मैंने फिल्टर अप्लाई कर दिया एक्स और वाई के ऊपर, जो मेरे पास ऊपर एक्स और वाई मेरे पास इमेज के हाइट वेट से जनरेट हो रहे थे, उसके बाद मैंने इसके जो फंक्शन है बटरवर्थ का फंक्शन वो इस पर अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से मेरे पास ये एल बटर का फंक्शन आ रहा है। इस एल बटर से जो मेरे पास बी वन जनरेट होगा, ठीक है, उसको मैंने ऊपर सी एफ इमेज के फोरियर ट्रांसफॉर्म से एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। उस एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करने के बाद उसका मैंने लॉग रिस्पांस देखा और उसका एब्सोल्यूट रिस्पांस देखा है। इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। तो ये बटरवर्थ का जो मेरे पास, ये मेरे पास ओरिजिनल इमेज है, ठीक है, ये ओरिजिनल इमेज का डी टी एफ टी है, ठीक है। ये मेरे पास बटरवर्थ फिल्टरिंग के बाद परफॉर्म करने के बाद, लो पास फिल्टरिंग परफॉर्म करने के बाद का डी टी एफ टी है, और ये इनवर्स इस डी टी एफ टी का जो इनवर्स इमेज आया वो ये है। तो इसमें हमें क्लियरली नजर आ रहा है लो पास फिल्टरिंग से एक तो इमेज में ब्लरिंग इफेक्ट आ रहा है, मगर रिंगिंग इफेक्ट कोई भी नहीं आ रहा, हमारे पास काफी बेहतर रिजल्ट आ रहे हैं। आप देख रहे हैं डार्क कॉर्नर डार्क्स हैं, दरमियान में लाइट लाइटर है, तो इसकी वजह से जो हमारे पास एब्रप्ट कट ऑफ था वो नहीं रहता, हमारे पास बहुत अच्छा क्लियर अच्छा इमेज आ रहा होता है, जो हमारे पास रिजल्ट्स हैं वो बेहतर आ रहे होते हैं। ओके, मैं इसको दोबारा कमेंट करता हूँ। इसी तरह हम हाई पास फिल्टरिंग पे आते हैं। बटरवर्थ हाई पास फिल्टरिंग के लिए जो फंक्शन यूज हो रहा है वो एच बटर का फंक्शन है। आपके मैनुअल में एच बटर की और एल बटर की डेफिनेशन गिवन है, इसको हम देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ये मेरे पास एल बटर की डेफिनेशन आ रही है, ठीक है, फंक्शन एल बटर हाई डी और एन, और ये मेरे पास एच बटर हाई पास बटर की आ रही है जो कि वन माइनस लो पास फिल्टर होता है। तो एच बटर हमारे पास सिंपल क्या, हाई पास बटर फिल्टर क्या कि वन माइनस एल बटर, वन माइनस लो पास फिल्टर, लो पास बटर वर्थ फिल्टर आपके पास हाई पास फिल्टर देगा। तो इसको मैं अगर हाई पास फिल्टर के लिए एच बटर का मैं यूज करके देखता हूँ तो मेरे पास ये आपको नजर आ रहा है, ठीक है, कि ये मेरे पास ओरिजिनल इमेज है, ये उसका डी टी एफ टी है, और ये मेरे पास इनवर्स जो आफ्टर फिल्टरिंग के बाद जो मेरे पास इमेज आ रहा है जिसका मैंने इनवर्स लिया, तो मेरे पास हाई पास फिल्टर आ रहा है। इसका भी इफेक्ट सिंपल हाई पास फिल्टर से, इससे रिजल्ट जो है वो सिंपल हाई पास फिल्टर से बहुत बेहतर रिजल्ट आया है इसका। तो ये हमारे पास आ रही थी हाई पास और लो पास फिल्टरिंग, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है, वी कैन अप्लाई अ बटर हाई पास सिमिलरली बाय फिल्टर बाय क्रिएटिंग, ठीक है, ये हम लोगों ने देख लिया। एब्सोल्यूट रिस्पांस देख लिए हमारे पास, ऊपर बटरवर्थ लो पास फिल्टर है, नीचे बटरवर्थ हाई पास फिल्टर है। इसके बाद हम आते हैं गॉसियन फिल्टरिंग की तरफ। We have seen Gaussian filters previously. We saw that they could use for low pass filtering. However, we can also use Gaussian filters in frequency domain as an ideal, as with ideal and Butterworth filters. ठीक है, जो the implementation is very simple. Create a Gaussian filter, multiply it by the image transform, and invert the result. तो इस गॉसियन फिल्टर को हम गॉसियन फिल्टर क्रिएट करेंगे, उससे इमेज के डीएफटी से मल्टीप्लाई करेंगे और दोबारा इमेज का इन्वर्स लेंगे। तो गॉसियन फिल्टर से फिल्टरिंग करना बहुत इजी है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, मगर यहाँ पे हम फिल्टर की कमांड यूज नहीं कर रहे हैं, हम एलिमेंट वाइज मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं।
तो यहाँ पे हम देखते हैं, मैंने एक कैमरामैन इमेज रीड किया है, ठीक है, जो मेरी करंट डायरेक्टरी में पड़ा हुआ है। आई एम शो, मैंने फिगर को शो करवा दिया, मैंने उसका FFT2 से फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लिया। अब मैं एक एफ स्पेशल से, हम लोगों ने देखा था हम कैसे एक गॉजियन फिल्टर का मास्क जनरेट कर सकते हैं। 256x10 का मैंने एक गॉजियन फिल्टर का मास्क जनरेट किया एफ स्पेशल से। मैट टू ग्रे करके मैंने उसको बाइनरी में ले लिया कि मेरे पास जो मास जनरेट होगा वो ग्रे लेवल्स में होगा, ठीक है। उसके बाद मेरे पास जो मास जनरेट हुआ है G1, उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया DTFT के इमेज से, ठीक है। और उसके बाद मैंने FFT CG1 का लॉग रिस्पॉन्स प्लॉट किया, ठीक है। इसी तरह मैंने एक और गॉजियन फिल्टर जनरेट किया जिसको मैंने 256x30 का फिल्टर है उसको मैंने अप्लाई किया, उसको मैंने देख लिया। इसके बाद मैंने जो फर्स्ट वाला फिल्टर है उसका IFFT लिया, सेकंड वाले रिजल्ट का IFFT लिया और उनके डिस्प्ले करवा दिया FFT शो के साथ। इसको रन करके देखते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे अब मेरे पास सॉरी, मैंने हाई पास फिल्टर वाला रिजल्ट कमेंट नहीं किया था जिसकी वजह से मेरे पास फिगर बाकी भी शो नहीं है। तो ये हमारे पास आ रहे, फर्स्ट इमेज इज कैमरामैन, सॉरी आई एम शो CM जो कैमरामैन का इमेज है हमारे पास वो आएगा। क्लोज ऑल CLC और क्लियर ऑल ताकि सारे वेरिएबल्स क्लियर हों। और अब इसको रन करते हैं, अब ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे मैंने फिगर नहीं लिखा हुआ इस वजह से ये वाली फिगर मेरे पास जो कैमरामैन वाली फिगर है वो इससे रिप्लेस हो रही है, मेरे पास फिगर्स इस वजह से खराब हो रही थी। ओके, अब इस पे आते हैं। फर्स्ट इमेज मेरे पास कैमरामैन की इमेज आ गई है, ठीक है। सेकंड CF1 लॉग जो मेरे पास 256x10 का FFT है वो आ रहा है। उसके बाद थर्ड मेरे पास 256x30 का FFT आ रहा है। और इसी तरह ये 10th से जो मेरे पास इफेक्ट आया, 10th जब मैंने 256x10 रखा था उससे जो मेरे पास रिजल्ट जनरेट हुआ वो ये है, और जो मेरे पास 256x30 था उससे मेरे पास जो रिजल्ट जनरेट हुआ वो ये है। तो मैंने जैसे जैसे फिल्टर के पैरामीटर्स बढ़ाए हैं मेरे पास ब्लरिंग इफेक्ट कम होता जा रहा है। तो इस तरह से हमने गॉजियन फिल्टर अप्लाई किया, ठीक है। मैट टू ग्रे फंक्शन हमने यूज किया, एफ स्पेशल फंक्शन आपको लो पास गॉजियन फिल्टर बना के देता है विथ अ वेरी स्मॉल मैक्सिमम, ठीक। 256x10 यूज़ किया फॉर्मेट, अगर आप इसका देखोगे तो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू जो इसके अंदर आ रही है वो 0.0158 समथिंग आ रही है जो हम 256x10 का जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। ये मेरे पास जो रिजल्ट्स जनरेट हुए हैं हमने वो देख लिया कि मेरे पास अगर वेरियंस 10 है तो ये रिजल्ट है, वेरियंस 30 है तो मेरे पास ये रिजल्ट है। गॉजियन फिल्टर में वेरियंस जो है वो आपके पास ब्लरनेस को कंट्रोल कर रही है। इसी तरह हम हाई पास गॉजियन फिल्टर भी बना सकते हैं सिंपली 1- लो पास फिल्टर के थ्रू हम हाई पास फिल्टर जनरेट कर सकते हैं, और हाई पास फिल्टर्स के रिजल्ट ये हैं विद वेरियंस 10 एंड विद वेरियंस 30। अगर मुझे हाई पास फिल्टर्स के इफेक्ट को देखना है तो मैं इसको मैटलैब में दिखाता हूँ आपको। ये वाला, ठीक है। कैमरामैन इमेज है, अगेन FFT एफ स्पेशल गॉजियन फिल्टर्स हमने जनरेट कर लिए हैं, ठीक है। गॉजियन लो पास फिल्टर्स जनरेट किए हैं। H1 1-G1 हो गया, H2 1-G2। तो ये हाई फिल्टर 1 हाई फिल्टर 2 विथ वेरियंस 10 एंड विथ वेरियंस 30। इन हाई फिल्टर्स को मैंने एलिमेंट वाइज
DTFT से कैमरा मैन के DTFT से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद मैंने इनवर्स FFT लिया हुआ, ठीक है, IF52 CH1 IF2 सॉरी मैंने दो दफ़ा ले लिया, कह रहा कोई मसला नहीं, डिस्प्ले एक दफ़ा ही हुआ हुआ। मैंने IF52 उसका इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म लेके उसको डिस्प्ले में करवा दिया, तो मेरे पास कुछ रिजल्ट्स इस तरह के आ रहे हैं, ठीक है, विथ ये मेरे पास हाई फिल्टरिंग के रिजल्ट्स आ रहे हैं, ये कैमरा मैन इमेज है, ठीक है, ये मेरे पास विथ वेरियंस 10 का ये आ रहा है, विथ वेरियंस 30 मेरे पास ये रिजल्ट आ रहा है। तो इस तरह से हम लोगों ने गॉसियन हाई पास फिल्टरिंग अप्लाई की है मैटलैब में, आपके मैनुअल में इसका डिटेल कोड गिवन है। क्लोज ऑल से मैंने सारी फिगर्स क्लोज कर लिया, क्लियर ऑल से मैंने सारे वेरिएबल्स को फ्लश कर लिया। जब हम नॉइस रिमूव कर रहे थे वहां पे एक बात हुई थी कि पीरियोडिक नॉइस को रिमूव करने के मेथड्स इतने सिंपल नहीं है, तो पीरियोडिक नॉइस को रिमूव करने के लिए हमें फ्रीक्वेंसी डोमेन में आके हम पीरियोडिक नॉइस को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसी तरह मैं एक पीरियोडिक नॉइस जनरेट करता हूँ और फिर उसको रिमूव करता हूँ और देखता हूँ कि हम कैसे फ्रीक्वेंसी डोमेन में इस पीरियोडिक नॉइस को क्लियर रिमूव कर सकते हैं। वी कैन इजिली क्रिएट पीरियोडिक नॉइस बाय ओवरलैपिंग एन इमेज विद अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वेयर सीएम इज द कैमरामैन इमेज फ्रॉम द प्रीवियस सेक्शन, द सेकंड लाइन सिंपली क्रिएट्स अ साइन फंक्शन, ठीक है। सीएम आपके पास कैमरामैन इमेज है, 128 प्लस एस आपने साइन फंक्शन जनरेट करके हमने इमेज के अंदर एक पीरियोडिक नॉइस ऐड करवाई है, उसको मैटलैब के अंदर देखेंगे। कंट्रोल आर कमेंट में आ गया, ये भी कमेंट में आ गया, कंट्रोल, ठीक है। इमेज लिया मैंने, एक मैच ग्रिड जनरेट की है 256 cos 256 की, एक साइन वेव का सिग्नल जनरेट किया है इस मैच ग्रिड से, और साइन वेव को सिग्नल को मैंने इमेज से डिवाइड किया है, तो मेरे पास एक पीरियोडिक नॉइस वाला इमेज जनरेट हो रहा है कुछ ये, ठीक है। अब इसमें पीरियोडिक नॉइस आपको नजर आ रही है, इसी का ही मैं फोरियर ट्रांसफॉर्म लेता हूँ और फिर देखता हूँ कि मेरे पास इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसे आ रहा है, ठीक है। तो ये मेरे पास इमेज विथ पीरियोडिक नॉइस उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कुछ इस तरह का आ रहा है, ठीक हो गया। द एक्स्ट्रा टू स्पाइक्स अवे फ्रॉम द सेंटर कॉरेस्पॉन्ड्स टू द नॉइस जस्ट एडेड, तो जो हमारे पास ये जो स्पाइक्स आ रहे हैं ये आप देख रहे हैं, ये स्पाइक्स हमारे पास नॉइस की वजह से आ रहे हैं, और अगर हम इन स्पाइक्स को रिमूव कर दें तो हमारे पास ये नॉइस रिमूव हो जाएगी, ठीक है। दिस इज अ स्मॉल पीरियड कॉरेस्पॉन्ड्स टू अ हाई फ्रीक्वेंसी, लार्ज चेंज ओवर अ स्मॉल डिस्टेंस, लार्ज चेंज ओवर अ स्मॉल डिस्टेंस इज नोन एज हाई फ्रीक्वेंसी एंड इज देयरफॉर फर्दर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द शिफ्टेड ट्रांसफॉर्म। तो हम एक लेंगे आई एम पिक्सल की कमांड है हमारे पास, आई एम पिक्सल इन्फो, ये हमें जो ऊपर FFT शो हो रहा है पिक्सल की उसकी लोकेशन बता देगा, ठीक है। अब मैं इसको रन कर करके देखता हूँ तो मेरे पास जो FFT आ रहा है वो देख रहे हैं आप, यहाँ पे मेरे पास इसकी आई एम पिक्सल इन्फो की वजह से ये नीचे पिक्सल इन्फो XY आपके पास आ रहा है, जैसे जैसे मैं कर्जर इसके ऊपर लेके जा रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे कुछ 8700 मिल रहा है, और यहाँ पे दूसरा स्पाइक्स आ रहा है वो 168-154 के करीब मिल रहा है। टू बी एग्जैक्टली मैनुअल में एग्जैक्ट वैल्यूज उसने जो निकाली हैं उनको देखते हैं, मैंने सर्कल जनरेट कर दिया, ये है लेस देन 47 और ग्रेटर देन 51, ठीक है। इनको मैनुअल में अगर देखूं तो वही 156, 170, 102 और 88 के ऊपर हमारे पास आ रहा है, ये स्पाइक्स आ रहे हैं, हमने इन स्पाइक्स को एलिमिनेट करना है।
IM pixel info की कमांड से आप पिक्सल्स की पोजीशन देख सकते हो, ठीक है, इमेज की पिक्सल्स की पोजीशन क्या है और उनकी आगे वैल्यूज क्या क्या है वो हम देख सकते हैं। अब हम बैंड रिजेक्ट फिल्टर बना रहे हैं, ऐसा बैंड रिजेक्ट फिल्टर बना रहे हैं, ठीक है, जो कि रिंग ऑफ जीरोस एंड जीरोस लाइंग अंडर अ रेडियस ऑफ 49 फ्रॉम द सेंटर। तो हम एक रिजेक्ट बैंड रिजेक्ट फिल्टर बना रहे हैं जो लेस देन 47 और जी ग्रेटर देन 51 पे आ रहा है, ठीक है। इस बैंड को हम रिजेक्ट कर रहे हैं, बाकी सारे बैंड को हम अलाउ कर रहे हैं। तो जो बैंड रिजेक्ट फिल्टर है उसको हमने अपने डीटीएफटी के इमेज के डीटीएफटी के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और उसके बाद हमने इमेज पे अप्लाई किया है। तो फिर हमारे पास आफ्टर रिमूवल पीरियोडिक नॉइस कुछ इस तरह से हमारे पास रिमूव हो रही है। इसको मैटलैब में करके देखते हैं, ठीक है। ये मैंने बैंड रिजेक्ट फिल्टर बना दिया, उसके बाद मैंने इसको मल्टीप्लाई किया और फिर हमने इनवर्स लेके उसको डिस्प्ले करवा दिया। इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास वो बैंड रिजेक्ट फिल्टर नजर आ रहा है, ठीक है। अब इन वैल्यूज को हमने कैसे फाइंड आउट किया था, अगेन मैंने आपको बताया था हम पिक्सल इन्फो पे गए, यहाँ पे हम आए, हमारे पास तकरीबन 144 जो इसको अगर मैं बड़ा करके देखूँ तो मेरे पास यहाँ पे जो पिक्सल की वैल्यू आ रही है तकरीबन 218 आ रही है, और यहाँ पे जो मेरे पास पिक्सल की वैल्यू आ रही है वो 172-156 पे जो वैल्यूज आ रही हैं वो आ रही है। इन वैल्यूज को हम कैसे देखते हैं, मैंने ये 47 और 51 कैसे निकाली है, तो हमने वो उन्हीं वैल्यूज से ही निकाली है, ठीक है। मेरे मैनुअल में जो हमारे पास 156 और 170, जी ऑफ 156, जी ऑफ 156 कॉमा 170, ठीक है, तो ये मेरे पास 49 आ गया। मैंने 47 रख दिया, अगर मैं इसको 49 करता हूँ तो फिर देख लेते हैं। और जो ये हमारे पास था, वन 56 और 49 वाला पॉइंट 169, बल्कि इधर देखते हैं 88 और 102, 88 और 102, Z ऑफ 88 और 102, तो अगेन वो 49 ही आ रही है, वही वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट मैं देखता हूँ Z ऑफ 102 और 88, 102 और 88, मेरे पास 49 ही आ रही है और दूसरी वैल्यू मेरे पास 51 के करीब आनी चाहिए, 156 और 170, 156 और 170, तो 170 ये आ रही है। सेकंड स्पीक मेरे पास आ रही है 169 और 155, 169 और 157, 169 और 157 है, 169 और 157 है, 169 एंड 157, मेरे पास तकरीबन 48-49 ये आ रही है। तो हम 49 और 51 का देख के इसको अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। मेरे पास नॉइस इस तरह से रिमूव हो रही है, 49 की जगह मैं यहाँ पे अगर 45 करूँगा तो मेरे पास और बेहतर रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से मैं सर्कल बैंड रिजेक्ट से जो मैं फ्रीक्वेंसीज, जिन फ्रीक्वेंसीज को मैं अलाउ कर रहा हूँ, जिन फ्रीक्वेंसीज को मैं स्टॉप कर रहा हूँ, मैंने एक बैंड रिजेक्ट फिल्टर बनाया, उससे मैंने पीरियोडिक नॉइस को रिमूव किया। इसके बाद हम आते हैं नॉच फिल्टरिंग के ऊपर। नॉच फिल्टर सिंपली मेक द रोज एंड कॉलम्स ऑफ द स्पाइक जीरोस।
तो हम नॉइस, पीरियोडिक नॉइस को नॉच फिल्टरिंग से भी रिमूव कर सकते हैं। हम क्या करते हैं कि हम सिंपल उन पॉइंट्स को हम जीरो कर देते हैं। उन पॉइंट्स को जब हम जीरो करेंगे, ठीक है, तो आपके पास कुछ स्पाइक्स इस तरह से आ जाएंगे, नॉच फिल्टर अप्लाई होगा, उस नॉच फिल्टर का आपका जो रिजल्ट है वो इस तरह का आ जाएगा। अब नॉच फिल्टर के रिजल्ट्स को देखते हैं मैटलैब के अंदर इसको इंप्लीमेंट करके। इसको मैं कमेंट कर रहा हूं और मैं सीपीएफ फिंगर ये सीपीएफ जो हमारे पास मिल रहे हैं ये हमें ऊपर से ही मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए मुझे जो ये चीजें हैं ये मुझे खत्म करनी पड़ेगी, ठीक है। जो मेरा बैंड रिजेक्ट फिल्टर वाला था वो मैंने खत्म कर दिया और मैं नॉच फिल्टर की तरफ आ रहा हूं। नॉच फिल्टर पे मैंने क्या किया, 156 और 102 को जीरो कर दिया, ठीक है। इसी तरह 170 और 88 पे जो मेरे पास लाइन बनती है पूरी लाइन को मैंने जीरो कर दिया, वहां पे जो फ्रीक्वेंसीज पड़ी थी उन सबको मैंने जीरो कर दिया। उसके बाद मैंने उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म शो करवाया और फिर इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लिया और इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म से जो रिजल्टेंट इमेज है उसको मैंने डिस्प्ले करवा दिया। इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से भी मेरे पास पीरियोडिक नॉइस रिमूव हो रही है। यहाँ पे अगर आप नोट करें यहाँ पे बिल्कुल ब्लैक लाइंस आपको नजर आ रही है, ये ब्लैक लाइंस जीरो की वजह से है। हमने ये पूरी लाइन दोनों लाइंस ये जीरो की हैं, इसी तरह वर्टिकल पूरी दोनों लाइंस जीरो की हैं, तो मैंने स्पाइक्स खत्म कर दी हैं। उन स्पाइक्स के खत्म होने की वजह से मेरे पास पीरियोडिक नॉइस फिल्टर हो रही है। तो इस तरह से नॉच फिल्टर को यूज करते हुए हमने पीरियोडिक नॉइस को खत्म किया है। इनवर्स फिल्टरिंग पे आते हैं। वी हैव सीन दैट वी कैन परफॉर्म फिल्टरिंग इन फोरियर डोमेन बाय मल्टीप्लाइंग डीएफटी ऑफ एन इमेज बाय डीएफटी ऑफ फिल्टर एंड दिस इज डायरेक्ट यूज ऑफ कन्वोल्यूशन थ्योरम। हमने कन्वोल्यूशन थ्योरम यूज किया है, इसी वजह से हमारे पास जो एप्लीकेशन है वो सिंपल हो जाती है। हम कन्वोल्यूशन के बजाय हम लोग सिंपल एलिमेंट वाइज मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, ठीक है। If we are given y and f, then we should be able to recover the DFT of the original image x by simply dividing by f आ रहा है। ये functions आ रहे हैं हमारे पास, हम ये देखते हैं। हमारे पास examples हैं, इसके अलावा उन examples को हम देखते हैं और फिर ठीक है motion deblurring पे आते हैं। ठीक है, इसको मैं अगेन कमेंट कर रहा हूँ, इसको भी मैं कमेंट कर रहा हूँ। इन एग्जांपल्स को देखते हैं हम, यहां से आते हैं। मैंने एक इमेज रीड किया wombats.tif, इस इमेज को मैंने ग्रे में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, क्योंकि मेरे पास जो मैंने इमेज डाउनलोड किए हुए हैं वो नेट से डाउनलोड किए हुए हैं, तो नेट से जब मैं इमेज डाउनलोड करता हूँ तो वो मेरे पास थ्री डायमेंशनल होने की वजह से वो कलर इमेज शो हो रहा होता है। तो जब मैं उस पर कलर इमेज पे ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ मेरे पास एरर आते हैं, इसलिए उन एरर्स को क्लियर करने के लिए मैंने RGB टू ग्रे का फंक्शन उसको प्रॉपरली ग्रे लेवल उसको कर दिया कि इसमें ये सिर्फ एक ग्रे स्केल इमेज है, ठीक है। उसके बाद इस पर मैंने एफ फोरियर फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई किया। इस फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म को अप्लाई करने के बाद मैंने इस पे बटरवर्थ फिल्टर अप्लाई किया। उस बटरवर्थ फिल्टर का मास को मैंने एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई कर दिया है मेरे पास जो फोरियर ट्रांसफॉर्म था। उसके बाद मैंने अगेन WBA का जो एब्सोल्यूट रिस्पॉन्स फाइंड आउट किया। WBA में मेरे पास रिकवर्ड IFFT वाला इमेज आ रहा है। इस WBA को मैंने मैट टू ग्रे से स्केलिंग कर दिया अनटाइटल्ड 8 में और उसको मैंने शो करवा दिया, ठीक है। इसको रन करते हैं, मेरे पास ये गॉशियन फिल्टर आपको नजर आ रहा है, गॉशियन फिल्टर आपको नजर आ रहा है कि है। इसके बाद हम देखते हैं एक और मैंने इमेज लिया, एक और मैंने फोरियर ट्रांसफॉर्म जो मैंने लिया था WBA का जो मेरे पास रिवर्स इमेज था उसको मैंने डिवाइड किया बी से और ये बी मेरे पास वही लो पास फिल्टर का इमेज है
और फिर इसका मैंने इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म लेके मैट टू ग्रे से इमेज में शो करवाया। इसको देखते हैं, जब मैंने इसको डिवाइडेड बाय बी किया तो मेरे पास कुछ ये इमेज आ रहा है, ठीक है, W1 एज जो मेरे पास शो हो रहा है। अब अगेन मैंने WBA का फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया, ठीक है, इसका जो मेरे पास रिकवर्ड इमेज था उसको मैंने WBF जो ऊपर मेरे पास इनवर्स इमेज आया था उसको डिवाइडेड बाय बी एलिमेंट वाइज डीवी से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई कर दिया बटरवर्थ फिल्टर से। और अब मेरे पास IM शो देखते हैं क्या आता है, ठीक है, मेरे पास एक शार्प इमेज आ रहा है। इसी तरह मैंने फिर एक थ्रेशोल्ड डिफाइन कर दिया है और उस थ्रेशोल्ड पे मैंने इमेज पे अप्लाई करके मैंने फिगर लिया, ठीक है, F52 उसी तरह डिवाइड किया एक थ्रेशोल्ड इमेज पे, बी लेस देन डी, जहाँ पे बी लेस देन डी थे उन सारों को मैंने वन कर दिया और दोबारा फिर मैंने उसका इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म लेके उस इमेज पे शो करवाया तो मेरे पास कुछ रिजल्ट जो लास्ट वन है वो ये आ रहा है। तो मेरे पास इमेज और ज़्यादा शार्प हो रहा है, ठीक है, मैंने इमेज को शार्प कर दिया। इस एग्जांपल में हम लोग ये देख रहे हैं, वी कैन अप्लाई मेथड बाय लो पास फिल्टर विद द मैट्रिक्स C1 अबव, फिगर शोज द रिजल्ट्स ऑब्टेंड यूजिंग डिफरेंट कट ऑफ रेडियस ऑफ बटरवर्थ फिल्टर ईच टाइम, यूजेस 40, यूजेस 60, यूजेस 80 एंड यूजेस 100। It seems that using a low-pass filter with a cutoff about 60 will yield the best result. After we use larger cutoff, the result degenerates. ठीक है, तो हम लोगों को ऊपर जो images से नज़र आ रहा है कि हम लोगों ने जब 60 पे हम गए तो हमारे पास ये नज़र आ रहा है कि जो A B वाला जो image है उससे आपके पास best results generate हो रहे हैं, C D मुख्तलिफ cutoff के साथ आपके पास इमेजेस जनरेट हो रहे हैं। तो ये हमने एक गॉजियन की एग्जांपल की है, ठीक है, इनवर्स फिल्टरिंग यूजिंग लो पास फिल्टरिंग एलिमिनेटिंग जीरोस, जो हमने पास जीरोस थे हमने उनको एलिमिनेट किया और उसके बाद हमारे पास जो रिजल्ट्स आ रहे थे वो देख रहे हैं। एक और जो मोशन डी ब्लरिंग पे बात होती है कि अक्सर इमेजेस पे हमारे पास मोशन ब्लर हो जाते हैं तो उसको हम फ्रिक्वेंसी डोमेन में भी उसको भी हम रिमूव कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास जो मोशन एफ स्पेशल फंक्शन से मोशन का फंक्शन हम यूज करेंगे, ठीक है, इसको मैं मैटलैब में देखते हैं, मैटलैब के अंदर लेके आता हूं, इसको हम कमेंट करते हैं और यहां से अब मैं एक इमेज में बोर्ड डॉट tf रीड कर रहा हूं, उसको मैंने अनसाइंड एंड बिट में कन्वर्ट किया और RGB टू ग्रे कर दिया। अब इसमें मैंने इसको क्रॉप कर लिया, ठीक है, बी में मैंने जो मेरे पास जो इमेज था वो बड़ा था उसको मैंने 100 355 और 50 305 का बना दिया, ठीक है, और मैंने उस फिगर को शो कर दिया। एफ स्पेशल से मैंने मोशन का फिल्टर जनरेट किया और मोशन के फिल्टर से मैंने इमेज में मोशन ब्लर डाल दिया, ठीक है, मोशन ब्लर डालने के बाद जो मेरे पास इमेज का रिजल्ट जनरेट हुआ है उसको मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरे पास ओरिजिनल इमेज है जो आपको शार्प इमेज नजर आ रहा है, ठीक है, और ये मेरे पास इस इमेज में जब मैंने मोशन ब्लरनेस डाली है तो मेरे पास कुछ इस तरह का रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। अब इस मोशन ब्लरनेस को हमने रिमूव करना है। टू डी ब्लर द इमेज वी नीड टू डिवाइड इट्स ट्रांसफॉर्म बाय द ट्रांसफॉर्म कॉरेस्पॉन्डिंग टू द ब्लर फिल्टर। This means we first must create a matrix corresponding to the transform of the blur filter. तो अब हमने क्या करना है, हमने एक मैट्रिक्स में इस ब्लर इमेज का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो एक सेव करना है, ठीक है। मैटलैब में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक मैट्रिक्स जनरेट कर रहा हूँ 256 × 256 जीरोज का, क्योंकि जो मेरे पास बी इमेज है वो 256 × 256 का इमेज है, ठीक है, मैंने एक मैट्रिक्स जनरेट किया जिसमें सारे जीरोज हैं। अब इस M2 में 1 और 1 और 7 के अंदर मैंने M स्टोर कर दिया, ठीक है, M मेरे पास जो मोशन ब्लर का फंक्शन था वो आ रहा है। अब इस मोशन ब्लर वाले फंक्शन का मैंने FFT फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया और इसको MF के अंदर सेव कर दिया।
अब मैंने इस मोशन ब्लर को रिमूव करने के लिए क्या किया है, जो मेरे पास ओरिजिनल इमेज था बीएम का फोरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है, बीएम जो मेरे पास मोशन ब्लर वाला इमेज था डिवाइडेड बाय एमएफ जो मेरे पास मैंने मोशन ब्लर से जो मैंने बीच में से एम से जनरेट किया था, एम मेरे पास जो मोशन ब्लर का वो है मोशन ब्लर का फिल्टर है उससे मैंने जो M2 जनरेट किया था उससे मैंने MF उसका मैंने फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया और उससे डिवाइड कर दिया। तो इस काम के करने के बाद मैं देखता हूं मेरे पास इमेज, मेरे पास मोशन ब्लर का इमेज ये आ रहा है, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हैं काफी हद तक ब्लरनेस मोशन ब्लरनेस रिमूव हो गई है, मगर इमेज का रिजल्ट जो है वो काफी खराब हो गया, ठीक है। तो ये वाला जो इमेज आ रहा है इसको इस तरह बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब उस पर बात करते हैं। एज विथ इनवर्स फिल्टरिंग द रिजल्ट इज नॉट प्रॉपरली गुड बिकॉज द वैल्यू क्लोज टू जीरो इन द मैट्रिक्स एम एफ हैड टेंडेड टू डोमिनेट द रिजल्ट एज शोन अबव वी कंस्ट्रेंट द डिवीजन बाय ओनली डिवाइडिंग द वैल्यूज विच आर अबव अ सर्टेन थ्रेशहोल्ड। अब हम क्या करते हैं, हम डिवीजन में एक थ्रेशहोल्ड इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, के एक थ्रेशोल्ड यूज करें 0.02, उससे कम जो वैल्यूज अगर आए जो बिल्कुल जीरोज ना हो, ठीक है, जो 0.02 से जो नीचे वैल्यूज है उनको वो वन ले ले, ठीक है। इस तरह करने से हम इस इमेज इसके रिजल्ट्स को इनहेंस कर रहे हैं। अगेन एमएफ FFT2 लिया, M2 लिया, MF फाइंड जो वैल्यूज इस MF में इस D से कम है उनको हमने वन कर दिया, ठीक है, एब्सोल्यूट ऑफ जाहिर बात है। अब इस BMI में मैंने IFFT2 ऑफ BM जो ऊपर मेरे पास जो इमेज है फिल्टर्ड नॉइस वाला जो इमेज है वो जो मोशन ब्लर वाला इमेज है वो डिवाइड बाय दिस MF जिसको मैंने एक थ्रेशोल्ड लेवल के हिसाब से एडजस्ट किया, ठीक है, और फिर मैं इसको डिस्प्ले करवा रहा हूँ। और अगेन मैंने मैट टू ग्रे VMI को मैंने मल्टीप्लाई किया 2 times, मेरे पास जो वैल्यूज हैं वो थोड़ी बेहतर हो गई हैं। तो अब मेरे पास जो ये रिजल्ट आ रहा है इसमें मेरे पास मोशन ब्लर रिमूव हो रहा है, ठीक है। ये मेरे पास इमेज था मोशन ब्लर वाला और ये मेरे पास आफ्टर रिमूवल ब्लरनेस को मैंने रिमूव करने के बाद मेरे पास ये इमेज आ रहा है। तो इस तरह से MATLAB में हम लोगों ने मोशन ब्लरनेस को रिमूव किया, ठीक है। अब यहां पे आपकी ये फोरियर ट्रांसफॉर्म वाली लैब क्लोज खत्म होती है। ये लैब हमने 2 parts में परफॉर्म किया, Lab 7 और Lab 8 में। टास्क इसके मैनुअल एक ही है तो टास्क नीचे इकट्ठे हैं। Lab 7 के जो टास्क थे वो आपने मैं उम्मीद करता हूं देख लिए होंगे, और लैब 8 के जो टास्क हैं उसको हम देखते हैं। ये मैट्रिक्स है हमारे पास, इसका आपने DFT कैलकुलेट करना है। आपके पास कमांड्स हैं, ये कमांड्स नीचे आपको शो करवाया हुआ है। नाउ यूज अ सिमिलर कमांड टू कैलकुलेट DFT ऑफ कॉलम ऑफ A1, ठीक है। कंपेयर द रिजल्ट विद द आउटपुट ऑफ द कमांड ऑफ FFT2 ऑफ A, कि इसका और इसका आप रिजल्ट कंपेयर करोगे। परफॉर्म सिमिलर कैलकुलेशन है। अब एक इमेज engineer.tiff मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वो engineer.tiff इमेज लेंगे। एक्सपेरिमेंट विथ अप्लाइंग फोरियर ट्रांसफॉर्म टू दिस इमेज विद द फॉलोइंग फिल्टर्स। इस इमेज के ऊपर आपने आइडियल फिल्टर बहुत लो पास हाई पास बटरवर्थ और गॉशियन फिल्टर लगाने हैं, ठीक है। इसी तरह एक फेस ऑफ सम बॉडी आप एक इमेज ले लें और उस पर सेम कैलकुलेशन प्रीवियस क्वेश्चन वाली परफॉर्म करें। साइन वेव इंट्रोड्यूस करें इसमें, यानी कि आप इसको पीरियोडिक नॉइसेस में रिमूव ऐड करें और फिर पीरियोडिक नॉइस को रिमूव करें यूजिंग बैंड रिजेक्ट फिल्टर और नॉच फिल्टरिंग, ठीक है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग साइन कमांड्स आप ये साइन वेव की कमांड देख सकते हैं। इसी तरह 5x5 का ब्लरिंग फिल्टर आप कैमरामैन इमेज पे अप्लाई करें और उसको फिर इनवर्स फिल्टरिंग के थ्रू क्लियर करवाएं और देखें कि आपको कौन सी थ्रेशोल्ड सबसे अच्छा रिजल्ट देगी, ठीक है। फिर आप 7x7 का ब्लरिंग फिल्टर अप्लाई करें। इसी तरह डी ब्लरिंग का देख लें कि एग्जाम्पल
walk through the motion deep learning example, experiment with different values of threshold, what gives you the best result. जो आप लोग थ्रेशोल्ड वैल्यू सेट करते हैं उसमें सबसे बेस्ट रिजल्ट्स कौन से दे रहे हैं। आज की लैब के लिए मेरी तरफ से इतना ही है, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अपना ख्याल रखिएगा, अगर कोई क्यूरी होती है तो हम क्वेश्चन एंड आंसर के सेशन में क्लियर कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़।